असल जोशटॉक्स के बंदू अभी आप मुझे दुपट्टे के बिना पहचान नहीं रहे होगे या फिर मैं कहूँ uh, और अभी अगर हम ये वीडियो स्नैपचैट से शूट कर रहे होते तो मैं आपको नानू भी बनकर दिखा सकती थी बट वो पॉसिबल नहीं आज मैं यहाँ पर मोटिवेट तो क्या ही करूं मैं खुद इतनी आलसी हूँ बट मैं अपनी जर्नी बता सकती हूँ कि मैंने क्या कुछ कैसे किया और मैं कैसे यहाँ तक पहुंच पाई तो मेरे स्कूल में ना हमेशा डिबेट में एक टॉपिक मिलता था इंटरनेट एक वरदान या अभिशाप मुझे बाकी बच्चों का नहीं पता लेकिन मुझे अपने लिए पता चल गया है कि मेरे लिए डेफिनेटली वरदान साबित हुआ है मेरा नाम सलोनी गौड़ है और मैं कॉमेडी करती हूँ लेकिन आ, मैं हमेशा से ऐसी नहीं थी अगर मेरे पास फ़ोन या इंटरनेट नहीं होता तो आज शायद मैं अपने घर पर बैठकर बैंकिंग के एग्ज़ाम की तैयारी कर रही होती और वो भी मुझे लगता है कि मुझसे क्लियर हो जाता बट वो भी नहीं होता क्योंकि मेरी मैथ्स बहुत खराब है तो पहले मैं जितनी जबान आज मेरी यहाँ चल रही है ना मेरी उतनी कुछ मैं इतना बोल नहीं पाती थी और मैं एकदम शांत मासूम सी बच्ची थी नर्सरी क्लास में मुझे याद है कि दूसरे बच्चे की सीट मेरे साथ चेंज होती थी ताकि उसका बोलना बंद हो जाए और मैं देखती थी कि सारे बच्चे ऐसे छोटे छोटे बच्चों को नहीं नर्सरी के में तितली या परी बनाकर एनुअल फंक्शन में खड़ा कर देते हैं स्टेज पर सारे बच्चे नाच रहे होते थे मैं अपनी मम्मी के साथ ऑडियंस में होती थी बट फिर भी मुझे लगता है कि मैं शायद तो थी बट कॉन्फिडेंस की कमी मुझ में तब भी नहीं थी क्योंकि एक बार मैंने क्या किया था कि मेरा भाई मुझसे पाँच साल बड़ा है और उनकी और मेरी क्लास आमने सामने थी मैं के क्लास में थी वो फिफ्थ में थे तो हम आ, स्कूल में बच्चों को ऐसे ही क्योंकि महंगी बॉटल दिलाने का कोई फ़ायदा नहीं होता हर दिन ढक्कन वक्कन खो देते हैं तो हमारे मम्मी पापा हमें पैप्सी कोका कोला की बॉटल में पानी भर के देते थे तो मैं और मेरा भाई सेम ही बॉटल लेकर जाते थे अब मान लो मेरी थम्सअप है उनकी पेप्सी थी तो मेरी दादी ने दोनों का ढक्कन बदल दिया अब मुझे हुआ कि नहीं ये ढक्कन कैसे बदल सकता मुझे तो अपना वाला चाहिए तो मैंने देखा कि मेरे भाई की क्लास सामने ही है मैं गई मैंने कोई कुछ नहीं पूछा उनकी क्लास चल रही है मैंने मैं आई कम इन भी नहीं किया मैं देख रही हूँ कोई तो टीचर पढ़ा रही है मैं घुस के लिए मैंने ऐसे रोबोट की तरह एकदम स्पॉट किया कि ओ ये इधर बैठा है शुभम मैं गई मैंने बॉटल स्पॉट की ढक्कन खोला अपना चेंज किया वापस आ गई और ये मैं वही लड़की थी जो क्लास में एकदम मासूम से बैठती थी तो मेरे भाई का भी था कि यार ये क्या ये क्या कर रही है ये क्या करके गई है अभी बट स्टेज पे जाने में थोड़ी हिचकिचाहट थी मैं ड्राइंग में अच्छी थी ड्राइंग करती थी बट कभी भी ना डांस वगैरह नहीं कर पाई तो मुझे यह था कि यार मेरे में क्या टैलेंट है पता नहीं समझ में ही नहीं आता था फिर थर्ड क्लास में आते ही पता नहीं क्या वो मेरी मम्मी को ऐसा लगता है कि उससे पहले मैं काफ़ी बीमार हुई थी तो कोई शायद दवाई रिएक्ट कर गई कि मैंने बहुत बोलना शुरू कर दिया और वो आज तक इस बात से तंग आ गई है कि पता नहीं कितना ही अब बोलती है अब चुप नहीं होती है और एक टाइम पे चुप हो जाती थी इतना कि टीचर से कंप्लेन आती थी कि ये बोलती क्यों नहीं है तो मैंने उसके बाद डिस्कवर किया कि थोड़ा मिमिक्री का भी टैलेंट है पता नहीं कैसे हुआ मुझे ये भी नहीं याद है कि मैंने पहली में बिक्री किसकी की थी बट मैं अपनी नानी के घर जाती थी तो जैसे मेरी दादी हमेशा घर पर ही रहती थी उनको ये रहता था कि चोर वोर आ जाएंगे घर पे तो कोई एक बंदा घर पे रुकना चाहिए तो मैं हमेशा कहीं गई मैं मान लो अपनी मम्मी के साथ तो मैं वहां शांति से ऐसे बैठ जाती थी और सबको सिर्फ ऑब्जर्व करती थी और फिर घर पर आकर बताती कि ओ देखो आज आ, मामा ने ऐसे बात की आज नानी ने ऐसे बात की तो ये मेरा एंटरटेनमेंट का जरिया था मैं इससे अपनी दादी को हंसाती थी मम्मी को हंसाती थी बट ही किसी और को पता नहीं था कि मैं ये चीज़ करती हूँ और मुझे भी नहीं पता था कि इसका आगे चल के कोई स्कोप है या नहीं है ये तो ऐसे ही है फालतू काम मैं खुद इसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देती थी उसके बाद लेकिन जब मैं स्कूल में मैंने अपने टीचर्स की मेमिक्री करना शुरू किया तो मेरे दोस्त बहुत हंसते थे उन्हें लगता था कि यार ये ऐसी चीज़ तो हमारे स्कूल में कोई कोई नहीं करता और मैं देखती थी कि नहीं यार ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है घर पे मेरा भाई कर रहा है बैठ के तो मुझे ये लगता था कि मेरे में ये कोई खास अलग टैलेंट है नहीं क्योंकि मैं लाफ्टर चैलेंज देखती थी उस पर सारे यही कर रहे होते थे तो मुझे ये भी नहीं लगता था कि ये मैं कोई यूनिक चीज़ कर रही हूँ और ये भी नहीं लगता था कि यार आ, मैं अच्छा कर रही हूँ फिर धीरे धीरे जब एक हमारे स्कूल में ऐसा भी था कि स्टैंड अप मिमिक्री इन चीजों को कोई इतनी इंपॉर्टेंस देता नहीं है मतलब आप अगर किसी एक्सटेम्पोर में पार्ट ले रहे हो या किसी डिबेट में पार्ट ले रहे हो तब तो है कि हाँ आप स्टेज पे अच्छा कर रहे हो लेकिन अगर आप कहीं जाकर चार जोक सुना के आ जाओगे तो ये देखे हाँ ये जोक सुनाने में क्या उखाड़ लिया तुमने तो एक बार क्या हुआ था कि आ, मैं वही बता रही हूँ कि मैं कॉन्फिडेंट कैसे थी मतलब मैंने ये देखा कि आपको ना बेशर्म होना पड़ता है हर चीज के लिए तो मैं एक बार स्टेज पर गई मैंने कहा यार अब मिमिक्री वगैरह होती नहीं है तो जो हो रहा है स्कूल में एटलीस्ट उसमें ही पार्ट लें तो मैं एक बार एक्सटेम्पोर में पार्ट लेने चली गई और पूरा स्कूल ग्राउंड में बैठा हुआ है और ऑन द स्पॉट टॉपिक मिलता था तो मुझे मिला पंक्चुअलिटी अब मैं मैं आज ये टॉक देने भी आधा घंटे लेट आई हूँ तो एक तो वैसे ही रिलेटेबिलिटी खत्म हो गई टॉपिक से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलूँ मैं स्टेज पर गई दो मिनट मैंने एक मिनट के लिए अपना इंट्रोडक्शन दिया कि हेलो हाय प्रिंसिपल सर जो भी होता है रिस्पेक्टेड और उसके बाद मैंने अपना टॉपिक बोला कि टुडे माई टॉपिक इज़ पंक्चुअलिटी पहली लाइन बोली मैंने पंक्चुअलिटी इज़ द की टू सक्सेस उसके बाद मैं ब्लैंक हो गई मुझे कुछ नहीं आता था और ये भी नहीं कि मैं पहले से याद है कुछ तब ब्लैंक हुई मुझे आता ही नहीं था बट आप थैंक यू बोल के जा सकते हो ये वहां था कि आपको जरूरी नहीं है कि ढाई मिनट का टाइम है तो आप रुक, आपको रुकना ही है बट मुझे मजा आ रहा था स्टेज पे मतलब मैं सारे बच्चे ऐसे करें कि ओबू ये क्या खड़ी है स्टेज पे। पर मैं हंस रही थी मुझे कोई शर्म आ ही नहीं रही थी कि ये क्या हो रहा है वो जजेस जो बैठे हुए थे वो भी सोच रहे हैं कि ये टाइम क्यों खराब कर रही है अपना भी हमारा भी अगला बच्चा बुलाए बट मैं खड़ी रही उस दिन से मैंने सोच लिया कि यार अब अब ये बेशर्मी तो कंटिन्यू रखनी है चाहे कोई कुछ भी बोले आपको जो मन कर रहा है आप वो करो उसके बाद ये सब करके भी ना मुझे ये समझ में नहीं आता था कि मैं आगे चल के क्या करूंगी और ये हमारे स्कूल वगैरह में ना हमेशा से होता ही है कि फिफ्थ सिक्स क्लास के बच्चे से भी पूछने लग जाते हैं कि तुम क्या करना चाहते हो तो हमारे रिपोर्ट कार्ड में एक कॉलम होता था जहाँ लिखते थे कि वॉट यू वॉन्ट टू बी इन योर लाइफ तो मैंने एक बार अपना एट्थ क्लास का रिपोर्ट कार्ड निकाल के देखा उसमें लिखा हुआ है आई वॉन्ट टू बी अ कार्टूनिस्ट जस्ट बिकॉज मैं सीनरी वगैरह बना लेती थी पहाड़ वहाड़ तो मुझे लगा कि मैं कार्टूनिस्ट भी बन जाऊंगी बट फिर भी मुझे समझ में नहीं आता था क्या करूँ मेरे कंटिन्यूअसली हर सब्जेक्ट में मार्क्स अच्छे आते थे बस मेरा मैथ्स बहुत खराब था कि सब में होता था नाइनटी नाइनटी और मैथ्स में थर्टी आते थे तो मुझे ये था कि मैथ्स से रिलेटेड कुछ नहीं करना है फिर धीरे धीरे आई थिंक मुझे मेरा ये प्रोसेस अच्छा लगा कि मैंने ये फिगर आउट कर लिया मुझे क्या नहीं करना है सिक्स क्लास में हमारा साइंस का था उसमें अलग अलग चीज़ें डिवाइड हो जाती हैं फिर आपको बायोलॉजी का अलग पेपर होता है केमिस्ट्री अलग और फिजिक्स अलग तो तब एक बार मुझे बायो में असाइनमेंट मिला कि आपको चने दिए हमें कि आपको इसके स्प्राउट्स उगा कर लाने तो पहले तो मैं एक्साइटेड रहती थी कि साइंस पढ़ रहे हैं भाई टी वी शोज वगैरह में भी इतना सब यही दिखाते थे विदेशी बच्चे पता नहीं क्या क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे होते थे वॉकी टॉकी लेके तो हमें था कि हाँ साइंस तो पढ़नी है तो वो उस चने मैं घर पे लेकर गई और मैंने मम्मी से कहा कि इसका स्प्राउट्स बना के लाना और ये सेम असाइनमेंट पांच साल पहले मेरे भाई को भी मिला था तो मम्मी ने कहा तू मत कर मैं कर दूंगी मैंने कहा नहीं नहीं मैं तो खुद ही करूंगी मैं तब से आत्मनिर्भर थी तो मैंने चने में ज्यादा पानी डाल दिया या उसे ज्यादा दिनों तक भिगो के रखा मेरा एक भी स्प्राउट नहीं हुआ फिर मैं वो खाली कटोरा लेकर स्कूल में गई फिर मैंने अपना दिमाग दौड़ाया मैंने सबके कटोरे में से चार चार चने फोर्टी थ्री बच्चे होते थे मेरी क्लास में चार चार चने भी मैंने सबके जोड़े तो मेरा कटोरा उन सबसे ज्यादा भर गया था तो मैं तो उस दिन लेकिन मैंने ये डिसाइड कर लिया कि यार साइंस अपने बस की बात ही नहीं है ये तो नहीं करना है बट फिर ये था कि आप ये नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे तो धीरे धीरे फिर मैंने रियलाइज़ किया कि अपने को ना कुछ आर्ट वाले फील्ड में ही जाना है कि या तो ड्रॉइंग ड्रॉइंग के टीचर बन जाए क्योंकि मैं ऐसा सोचती थी कि जैसे ड्राइंग की ना हमारी हफ्ते में दो ही क्लास होती थी तो मुझे ये लगता था कि ड्राइंग की टीचर ना सबसे ज्यादा चिल रहती है उसको कुछ करना ही नहीं पड़ता यार और आ, क्या पेड़ ही तो बनाना सिखा रही है पेड़ बनाना तो मैंने कब का सीख लिया है तो मुझे लगता था कि ड्राइंग के टीचर बनके ना सही सैलरी भी मिल जाएगी और मतलब अच्छे से आराम से मुझे कुछ इतना काम भी नहीं करना पड़ेगा बेसिकली मैं आलसी बहुत थी तब तो मैंने ईजी वाली चीजें देखी बट फिर मेरे को पता चला कि यार तीन चार हजार रुपये ही मिल रहे हैं उन्हें तो मैंने कहा यार इतने में तो जैसे अपने शौक है इतने में तो कुछ नहीं होने वाला तो मैंने वो भी ड्रॉप कर दिया फिर एक पॉइंट पर मुझे जर्नलिस्ट बनना था क्योंकि मैं टीवी पर देखती थी मेरे पापा घर से घर पर लेट आते थे रात को तो हमारे घर पर सिर्फ न्यूज़ चलती थी साथ में तो पा और पापा बहुत इज्जत करते थे सारे जर्नलिस्ट की उस टाइम करने लायक भी होते थे तो मुझे था कि यार पापा अभी रिस्पेक्ट करेंगे तो अब तो जर्नलिस्ट बनना है पर फिर आ, मुझे लगा कि यार ये न्यूज़ व्यूज़ मुझे पता चला कि सारे लोग न्यूज़ एंकर नहीं बनते कुछ को न्यूज़ लिखनी भी पड़ती है तो मैंने कहा यार ये लिखना विकना फिर वही इससे इसमें तो कोई फन नहीं रह जाएगा तो ये भी नहीं करना है फिर उसके बाद मैंने टेंथ क्लास में आ गई वही मैथ्स का सारा मेरा यही चलता रहा कि यार मैथ्स नहीं आ रही है समझ मेरा ट्यूशन लगा दिया मम्मी ने साइड वाले घर में ही ट्यूशन था मेरा तो सोचो आपकी गली के जो भैया है उनको ये पता था कि इसके तेतीस नंबर आते हैं मैथ्स में तो मुझे ये प्रेशर रहता था कि यार ये पूरी गली में ना फैला दें कि इसके मैथ्स में तेतीस नंबर आ रहे हैं फेल होने वाली होती है हमेशा तो मैं हमेशा उनको ऐसे बताती थी कि मेरे मैथ्स में थर्टी थ्री आए हैं पर मेरे इंग्लिश में नाइनटी फोर आए हैं तो वही सोचते थे तू मुझसे मैथ्स पढ़ रही तू मेरे इंग्लिश के नंबर क्यों बता रही है बट मेरा हमेशा से ये डर रहता था कि यार सबको लगेगा मैं कितनी डमू मैं क्या कर रही हूँ ये फिर इलेवेंथ क्लास में मुझे आर्ट्स पढ़नी थी मैंने डिसाइड कर लिया था कि ना मुझे कॉमर्स पढ़नी है ना साइंस तो सोच सोचना ही नहीं था नंबर मेरे साइंस वाले ही आए थे मेरे 92 परसेंट आई थी बट मैंने कहा नहीं आर्ट्स पढ़नी है पर मेरे शहर में आर्ट्स ही नहीं पढ़ाता था कोई स्कूल डी तक में आर्ट्स नहीं थी तो फिर मन मार के मुझे कॉमर्स पढ़नी पड़ी और uh, मैंने सोचा कि अब कुछ इकोनॉमिक्स में करेंगे अब अब बनेंगे कुछ तगड़ा बट मुझे ये नहीं पता था कि आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स करते हो तो उसमें मैथ्स होती है बहुत सारी मैंने उसके लिए इलेवन ट्वेल्थ में मैथ्स पढ़ ली थी बट मुझे ये नहीं पता था कि इतनी तगड़ी इतनी भयंकर मैथ्स उसमें जाके मिलेगी तो फिर वो प्लान भी ड्रॉप कर दिया मैंने कि आप यारी मैथ्स तो नहीं पढ़ी जाएगी बट फिर मैंने सोचा कि अब जब आर्ट्स नहीं मिली है तो एटलीस्ट कॉलेज में जाकर आर्ट्स पढ़ेंगे मेरे ना मार्क्स अच्छा है तो मुझे इजीली वहाँ पर बीए मिल गया एक बढ़िया कॉलेज में और मैंने पढ़ना शुरू किया मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ रही थी इकोनॉमिक्स पढ़ रही थी मुझे मजे आ रहे थे ये पढ़ने में और मैंने कभी ये सोच के नहीं पढ़ा कि अब इस डिग्री के साथ मैं आगे क्या करूँगी क्योंकि आर्ट्स की डिग्री के साथ मुझे नहीं लगता कि आई वगैरह बनने के अलावा या फिर आप पी करो प्रोफेसर बनने के अलावा और कोई ऑप्शन होता है बट मैं सिर्फ इसलिए पढ़ रही थी क्योंकि मुझे पढ़ने में मज़ा आ रहा था मुझे कभी ये गोल नहीं था मेरा कि मैं आई थिंक मैं पीएचडी कर भी नहीं पाऊंगी मैं एक चार घंटे बैठकर पढ़ नहीं सकती ऐसे तो मुझे पढ़ाई का कभी कुछ था ही नहीं तो मेरी मम्मी हमेशा कहती थी कि एटलीस्ट घर में एक बच्चा बैंक में जरूर होना चाहिए क्योंकि उन्हें क्या था कि लाइन में लगे होने से उन्हें बड़ी दिक्कत थी तो था कि काउंटर के पीछे अपने घर का कोई बंदा होगा तो उनका चेक जरा जल्दी क्लियर हो जाएगा तो मैंने कहा कि यार ठीक है चलो बैंक ही बैंक की ही नौकरी कर लेंगे कुछ तो होगा क्योंकि मैंने हमेशा जैसे मुझे हमेशा से स्टैंड अप कॉमेडी करनी थी जब मैं मिमिक्री वगैरह करने लग गई थी तो मेरे दोस्तों ने बोला तू ठीक ठाक करती है तो मैंने कहा यार ये जाकिर खान वगैरह मेरे भाई मेरे भाई ने मुझे मेरी वीडियो, वो वीडियोस दिखाई थी तो मुझे लगा कि जाकिर तो बढ़िया है यार इतने लोग आ रहे हैं इसके शो में तो क्या पता मैं भी ऐसे जोक्स कर लूँ तो बट मैं थोड़ी प्रैक्टिकल थी मैंने सोचा कि अचानक से तो कोई मेरे शो में इतनी जनता आ नहीं जाएगी तो मुझे पैसे भी चाहिए तो मैंने फिर बॉलीवुड की फिल्में भी देखी थी बहुत तो मैंने कहा हम हासिल करेंगे हम सुबह नौकरी पर जाएंगे रात को स्टैंड अप करेंगे क्लब में जाके तो मैंने कहा ये प्लान एकदम ठीक है और मैं इतनी वैसे तो मैंने इतनी प्रैक्टिकल हूँ मैं कि मैंने ये सोच लिया कि नौकरी भी करनी पड़ेगी पैसा कमाने के लिए लेकिन उतनी प्रैक्टिकल नहीं हूँ कि मैंने ये सोचा हो कि भाई तुझे नौकरी नहीं मिलेगी तेरी मैथ्स खराब है सलोनी तो तू बैंक का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएगी बट मैंने सोच लिया मेरी रूममेट मैथ्स ऑनर्स थी हॉस्टल में मैंने कहा जब तक ये है कोचिंग यही देगी मेरी वो सौ बच्चों की भीड़ में तो मैं बैठ के पढ़ नहीं सकती सारी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यही सिखाएगी बट तभी कॉलेज में धीरे धीरे मैंने वीडियोस बनाना शुरू कर दिया था मेरे को मेरे मम्मी पापा ने फोन दिला दिया था और हमारे हॉस्टल में क्या था कि दो टीवी थे तो दोनों पर बिग बॉस चलता था तीसरा टीवी खराब रहता था तो मैंने कहा यार ये तो ऐसे बिग ब... तब मेरे तेरे, मेरे में इतना दिमाग नहीं था कि मैं ये सोचती कि यार बिग बॉस से भी तो मैं कॉन्टेंट निकाल सकती हूँ अब तो मैं कुछ भी देखती हूँ तो मुझे यही दिखता है कि कॉन्टेंट 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 तब मेरा ऐसा था कि यार ये क्या कितने पागल बच्चे हैं क्या बिग बॉस देख रहे हैं तो मैं वापस आ जाती थी बट फिर मैं सोचा खुद के एंटरटेनमेंट के लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा मुझे दिन में नींद आती नहीं थी बच्चे क्या था कि बारह बारह तेरह तेरह तो घंटे सोते रहते थे हॉस्टल में उसके बाद भी उनका टेन सी आता था तो एक तो मुझे वो रहता था कि नहीं यार सो नहीं सकती मैं मैं पढ़ूंगी ताकि मेरे अच्छे नंबर आए और फिर मुझे ये भी था कि अब जो पूरे दिन जाग इतना टाइम बच जा रहा है मेरे पास उसका मैं करूँ क्या तो फिर मैंने ऐसे इंटरनेट पर स्क्रॉल करते करते पहले मुझे इंस्टाग्राम समझ में नहीं आता था फिर मैंने देखा कि ऐसे कुछ क्रिएटर्स वहां पर वीडियो बना रहे हैं मैंने कहा और तब सबके जोक ऐसे हल्के होते थे मैंने कहा यार ये जोक तो मैं ऐसे सड़क पर चलते हुए मार देती हूँ मैं मैं क्यों नहीं बना लेती वीडियो तो फिर मेरा अकाउंट प्राइवेट ही था क्योंकि मेरे दोस्तों का भी प्राइवेट था तो मैंने सोचा ऐसा ही होता होगा तो मैंने भी ऐसे अपना अकाउंट प्राइवेट करके वीडियो डालना शुरू किया और मैं मैं कुछ होप नहीं कर रही थी कि मैं फेमस हो जाऊंगी या मेरी वीडियो वायरल हो जाएगी मैं बस अपने एंटरटेनमेंट के लिए कर रही थी मेरे कॉलेज में मेरा टाइम टेबल होता था कि सुबह एक नौ से दस की क्लास है और दूसरी तीन से चार बजे की बीच में पूरा खाली क्यों बी ए वालों को कोई इज्जत नहीं मिलती थी वहां पर तो मैंने कहा ये जो खाली टाइम है इसमें बैठ के आ, अपनी वीडियो के लिए लिखा करूंगी और शाम को जाके हॉस्टल में शूट करो और और शूट भी ऐसे करना होता था अब अपनी रूममेट को तो इतना सा छोटा सा कमरा होता था अब अपनी रूममेट को तो आप बोल नहीं सकते कि चल भैया मुझे शूट करना है तू बाहर निकल वो जाएगी नहीं उसका भी तो आधा बेड है तो मैं क्या करती थी वो स्नैक्स पर जाती थी पाँच बजे से सवा पाँच का पंद्रह मिनट का स्नैक्स टाइम होता था तो मैं छोड़ देती थी अपने स्नैक्स मैंने कहा मैं अपने बिस्किट खा लूंगी तू जा तो वो पंद्रह मिनट के लिए जाती थी मैं एक वीडियो बना लेती तब तक तो मेरा यही ये, ये रूटीन मुझे अच्छा लगने लगा कि आ, कुछ तो मैं एटलीस्ट क्रिएटिव काम कर रही हूँ कि कॉलेज में जाके तो वही बोरिंग लाइफ है और करोल बाग में आप मेरा कॉलेज करोल बाग में था आप वहाँ कितने ही दिन फूड डिस्कवर करोगे या वो क्या करोगे एक पॉइंट पर आप बोर हो जाते हो कि नहीं यार ये मज़ा नहीं आ रहा है इसमें फिर मुझे पता चला कि ऐसे कॉलेज में इंटर कॉलेज स्टैंड अप कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो मुझे नहीं पता था कि मैं कितनी अच्छी हूँ स्टैंड अप में या क्या है तो पर फिर भी मैं गई और मैंने एक अपने कॉलेज लाइफ के अराउंड एक मटेरियल लिखा और वो बहुत अच्छा चला और मैं पहली बार में ही फर्स्ट आ गई तो मुझे लगा कि भाई कॉलेज स्पेस की तो जाकिर खान ही हूँ ये तो मैं हर हर अब मैं सेम सेट लेके हर उस जितना भी वो फेस्ट में जिस भी कॉलेज में हुआ मैं सेम सेट लेके गई और मैं हर जगह फर्स्ट आ गई तो मैंने कहा ये तो एक मैंने एक अच्छा फिगर आउट कर लिया अब तो दूसरा और लिखना है यही मेरी मोटिवेशन थी कि मैं आगे भी लिखती गई फिर मैं हर साल जाने लगी और मजा आता था मुझे करने में और पर मेरे दोस्तों को लगता था कि ये पता नहीं क्या कर रही है डिबेट के तो एटलीस्ट आप जोड़ सकते हो ना किसी वी वगैरह में कह रहे हम डिबेट में जीते थे स्टैंड अप का कहाँ दिखाएगी बट मैं कभी नौकरी के लिए तो सोचती ही नहीं थी मैंने कहा मुझे तो वैसे भी बैंक में करनी है बैंक में थोड़ा ना ये मांगेंगे कुछ भी तो स्टैंड अप ही करते रहते हैं फिर उसके बाद 2019 में एक बार आ, मैंने एक वीडियो बनाई और वो नजमा आप ही जो मेरा एक कैरेक्टर था उसकी वीडियो थी और ऐसे ही डाल दी और पता नहीं मैं क्या बहुत ऐसे शुरुआत में पता नहीं होता है ना क्या कर रहे हो आप तो मैंने इतना लंबा सा कुछ तो कैप्शन लिखा था कि वो अपलोड ही नहीं हुआ कैप्शन तो उस उसमें कुछ रैंडम डिजिट्स लिखी हुई आ रही थी ना मेरा नाम है कहीं बस मेरे अकाउंट से डली हुई थी और नॉर्मल से ज़्यादा लोग देख रहे थे उसको मेरा अकाउंट अब तक पब्लिक कर दिया था मैंने तो और पब्लिक भी कैसे किया था उसकी भी एक छोटी सी स्टोरी बता देती हूँ कि एक बार आ, मेरे किसी रिलेटिव ने मेरी वीडियो देखी मेरे मम्मी पापा को तो पता था ये कुछ करती है बट मेरे मार्क्स अच्छे आते थे ना इसलिए वो कुछ बोलते नहीं थे कि हाँ ठीक है जो कर रही है कर लेगी और वो सीरियसली लेते नहीं थे कि इससे थोड़े ना पैसे कमाएगी इंस्टाग्राम से यूट्यूब से तो फिर भी चलो कमा लेते हैं इंस्टाग्राम से कहाँ कमाएगी तो वो जाने देते थे पर एक बार मेरे किसी रिश्तेदार का मुझे मैसेज आया कि सलोनी पढ़ने गई हो पढ़ाई कर लो तो मैंने कहा मैंने उन्हें मैं मैं भी फुल खाली बैठी रहती थी मैंने जैसे बताया हॉस्टल में तो मैंने उन्हें अपने रिपोर्ट कार्ड की फोटो भेजी कि पढ़ने गई हूँ पढ़ती भी हूँ और ये भी करती हूँ तो और उसके बाद मैंने अपना अकाउंट पब्लिक और कर दिया मैंने कहा आप तो सब देखेंगे और उसके जब मैंने ये ट्वेंटी नाइनटीन में वीडियो डाली और नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा लोग देख रहे थे कि जैसे पाँच लोग देख रहे हैं सौ लोग देख रहे हैं तो उस बार दो सौ लोगों ने देख लिया तो मुझे लगा कि हाँ इतना तो थोड़ा बहुत चल जाता है टॉपिकल वीडियो थी डेली में पॉल्यूशन हो रहा था मैंने पॉल्यूशन पर बना दी तो मुझे लगा कि हाँ इसलिए देख रहे होंगे अभी अब कल को पोल्यूशन खत्म हो जाएगा तो फिर कौन देखेगा ये सब हुआ एक हफ्ते बाद मैं बनारस घूमने चली गई फिर मुझे लोगों के मैसेज आ रहे हैं एक हफ्ते बाद कि अरे ये वीडियो तो वायरल हो रही है हमें व्हाट्सएप पर मिल रही है अब मुझे पता नहीं था वायरल होने का मतलब क्या होता है क्या व्हाट्सएप पर आने लगेगी क्या होगा फिर मेरे ही हॉस्टल के ग्रुप पर वो वीडियो आई और फिर लोग लिख रहे हैं अरे ये तो हमारे हॉस्टल में ही रहती है ये लड़की तो मुझे रियलाइज हुआ कि ओ वायरल होना ये होता है अच्छा अब अब ये चार हजार व्यूज आ गए हैं ओ मेरे फॉलोअर्स अचानक से एक हजार से दो हजार हो गए वाह मैं तो फेमस हो गई तब मेरा एक गोल था कि बस मेरे फॉलोअर्स हो जाए मुझे एक बार अप वाला बटन मिल जाए मैं स्वाइप अप स्वाइप अप खेलूंगी बस इतना था उसके अलावा मेरा कोई गोल नहीं था ना मैंने ये सोचा था कि ओ एक दिन मैं अब इससे कमा भी सकती हूँ तब भी मेरा ये नहीं था तब भी मेरा यही था कि अरे यार हमें तो बैंक में ही जाना है क्योंकि मेरी मम्मी आज तक मुझे बोलती है एक लड़की रहती है हमारी गली में तो वो पहले इन्फोसिस में काम करती थी फिर उसने बैंक के एग्जाम्स दिए और वो मैनेजर भी बन गई किसी बैंक में वो आज तक बोलती है कि उसे देख लो उस पहले में 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 थी अब बैंक बैंक मैनेजर भी लग गई तुम क्या कर रहे मैंने करे? उसके बैंक में सारे लोग जानते होंगे अब हमें तो ये कि हमेशा से ना सरकारी नौकरी और इस सब का बहुत प्रेशर रहता तो मुझे ये था कि फेमस हो भी गए तो क्या बैंक में से शूट किया करेंगे फिर वह बैंक में तो जाना ही है बट फिर लोगों ने मैं मैं भी थोड़ा कंसिस्टेंट हो गई मैंने सोचा कि अब जब मैं दो हफ्ते में एक बार डालती थी जहाँ एक वीडियो अब मुझे लगता है कि जब लोग देख रहे हैं तो उन्हें दिखाना चाहिए ये मैंने सही टाइम पर सही दिमाग लगा लिया था तो मैं हर दिन एक वीडियो डालने लगी और वो पहले वाली से भी ज्यादा ज्यादा बढ़िया चलती थी तो मुझे लगा यार ये तो सही चीज चल रही है मुझे पता भी नहीं था कि मैं फनी हूँ या मैं फनी लिख पा रही हूँ कि नहीं बट मुझे ये था कि जो लिख रही हूँ वो लोग देख रहे हैं तो एटलीस्ट उसको ही लिखते रहते हैं कंटिन्यूअसली तो मैंने सेम वही नजमा आप ही हर दिन किया करती रही और लोगों को पसंद आने लगा फिर मुझे कुछ लोगों के मैसेज आए जो इन्फ्लुएंशियल थे आ, काफी बॉलीवुड के लोगों ने मैसेज किया तो मुझे लगा कि हाँ यार अब तो कुछ हो रहा है फिर मेरा भाई मुझे कभी फॉलो नहीं करता था उसने बोला था किसी दिन कुछ ऐसा करेगी कि फनी बना देगी तो मैं फॉलो कर लूंगा उन्होंने फॉलो कर लिया मैंने कहा अरे भाई अब खत्म ये तो अब अब हो गया है फिनिश अब मैं मुझे लग रहा है मैं फनी हूँ मैं सही कर रही हूँ तो अब ये करता है एंड देन उन्होंने ही मुझे काफी हेल्प की मैं अपना लिखती विकती थी और वो सारी बाहर की जितनी जितनी भी चीजें होती थी फाइनेंशियल कुछ डील कर रहे हैं तो वो करते थे तो मुझे ये काफ़ी सपोर्ट मिला वहाँ से और मैं अपना काम पर ही मैंने फोकस किया फिर लग गया लॉकडाउन मैं थोड़ा ही पॉपुलर हुई थी कि लॉकडाउन लग गया और मुझे लगा कि शेट यार अब तो जब कहाँ मैं अभी मेट्रो में लोगों ने मुझे पहचानना शुरू ही किया था और अब लॉकडाउन लग गया अब तो क्या ही होगा बट लॉकडाउन ने ज़्यादा हेल्प कर दिया मुझे क्योंकि मैं एक हफ्ते के लिए अपने होली के वेकेशन के लिए घर आई थी हॉस्टल से किताबें विताबे लाई नहीं थी क्योंकि मुझे लगा नहीं था कि कैसे लॉकडाउन होगा सारी की बुक्स रह गई हॉस्टल में और मैं घर पर सिर्फ खाली पढ़ी हूँ घर वाले बोलते पढ़ाई कर लो मैं पढ़ाई कहाँ से करी किताबें ही नहीं है तो फिर मैंने सिर्फ यही किया कि हर दिन सुबह जाग कर इतनी मोटिवेशन मुझे कभी नहीं थी सुबह जागने की ना वर्कआउट करने के लिए कभी रही है ना पार्क जाने के लिए बच्चे कैसे गर्मियों की छुट्टी में बैट बॉल लेके भाग रहे हुआ करते थे हमारी गली में कि कोई बैडमिंटन लेके भाग रहा है मुझे ये था कि अरे भाई सोना पहले है गर्मियों की छुट्टी इतनी मुश्किल से मिली है बट तब मैं सुबह पाँच बजे उठकर मैं लिखना शुरू कर देती कि आज तो ये वाली वीडियो बनानी आज ये हो गया आज वो हो, हो गया मैं फुल अच्छे से किया और उसका मुझे एक फल भी मिला कि मैं फिर लोगों ने और ज्यादा मेरे वीडियो देखना शुरू किया और लॉकडाउन में ही फिर मुझे अ, मेरे पहले शो के लिए कॉल आया तो वो एक मेल था जिसमें लिखा हुआ था कि वी वॉन्ट टू टॉक टू यू अबाउट दिस शो तो मुझे लगा कि कोई तो शो होगा जिसका ये लोग हमसे प्रमोशन करा रहे होंगे कि हमें कौन शो दे देगा यार इंस्टाग्राम से उठ के थोड़ा ना किसी को कोई शो दे देता है तो हमने कहा ठीक है कॉल कर लेते हैं और मेरा ना इंटरनेट का बहुत पंगा रहता था मतलब काम तो मैं इंटरनेट वाला कर रही थी बट वही मेरी सबसे बड़ा इशू था मैं हॉस्टल से वीडियो अपलोड करती थी तो मुझे छत पर चढ़कर अपलोड करना पड़ता था मतलब 4G वगैरह तो सब ठीक है बट हमारा 4G भी खस्ता ही है तो वो एक स्ट्रगल रहती थी फिर घर पर जब मैं लॉकडाउन में फंसी तो एक तो लॉकडाउन में मैं घर पर फंसी फॉर्चुनेटली तो वहां पर भी सेम इशू रहता था कि क्या हुआ कि जब सबकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई तो सबने वाई लगवा लिया हमने जब तक सोचा कि हमें भी लगवा लेना चाहिए वाईफाई का तार ही खत्म हो गया तो वो बंदा कहता है कि हमारे पास तो तार ही खत्म हो गया अब बन भी नहीं रहा है लॉकडाउन में कहाँ से मंगाएंगे अब आप ऐसे ही काम चलाओ तो मैं मम्मी का हॉटस्पॉट लेके कभी अपलोड कर रही हूँ मम्मी से डांट रात को डांट पड़ रही है कि अब हम व्हाट्सएप फेसबुक कैसे चलाएं तुमने सारा डेटा खत्म कर दिया तो वो रहता था बट बहुत अच्छा लगता था मम्मी को भी जब वो देखती थी कि अरे आज उसका फोन आया तेरी वीडियो अच्छी लगी ये सब तो सही चल रहा था और उसके बाद जब वो कॉल हुई हमारे शो के लिए तो मैंने सोचा नहीं था कि मिलेगा ऐसा कुछ क्या है तो मैं ऐसे छत पर कैमरा लेकर बैठ गई और मुझे लगा यहाँ इंटरनेट अच्छा कनेक्ट होगा और उन्होंने बस कुछ भी जो वो बोल रहे थे मुझे हारमोनियम जैसी आवाज़ सुनाई दे रही थी बेसिकली उनकी और मैं जो बोल रही थी वो भी उनको सेम वैसे ही सुनाई दे रहा था तो उन्होंने बस बोला कि वी वॉन्ट टू गिव यू अ शो मुझे शो सुनाई दिया और फिर मैं फ्रीज हो गई मेरी स्क्रीन फ्रीज हो गई तो उन्हें लग रहा है कि अरे ये तो शौक में ही चली गई है कि हमने क्या इतनी बड़ी चीज़ दे दी इसको मैं ऐसे ही बैठी रही वो मुझसे पूछ रहे हैं क्या करना चाहते हो मैं बोल भी रही हूँ तो समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहती है ये लड़की कॉल खत्म हुई मैंने अपने भाई को कॉल किया कि अरे क्या ब, क्या बात हुई इन्होंने क्या बोला तो उन्होंने बताया कि तुम्हें ऐसे खुद का शो मिल रहा है विच इज अ वेरी बिग थिंग मतलब एक बीस साल की लड़की को कौन ही कौन ही ट्रस्ट करेगा इतने सारे पैसे के साथ कि हाँ भाई जाके एक शो बना लो और ये कॉमेडी कर लो तो मैंने सोचा नहीं था बट वो हुआ पॉसिबल और वो पॉसिबल हुआ और हम गए मतलब मेरी मम्मी मुझे गली के बाहर तक नहीं जाने देती थी और ये वैसे मैं अपनी मम्मी को भी यहाँ पे गलत नहीं बोलना चाहूंगी मेरे भाई को भी नहीं जाने देती थी क्योंकि यूपी में सभी अनसे तो दोनों ही घर पर रहते थे तो और कहा उन्होंने फिर हमें सीधा मुंबई भेज दिया मतलब मेरा भी मन नहीं था मैं एकदम ऐसे ईशान अवस्थी वाली फील में थी कि अब पैसा कमाने के लिए मुंबई जाना पड़ेगा ये क्या बात है यार म, घर वालों से दूर इतने मुश्किल से तो अभी तीन साल बाद हॉस्टल से घर वापस आई थी और अब फिर से मुंबई जा रहे हैं तो मैं मुझे थोड़ा वैसी वाली फील थी रोने धोने वाली बट एक बार मैं मुंबई गई तो फिर तो आपको एक अलग दुनिया मिलती है आपका इतना एक्सपोजर मिलता है वहां जाके आप इतने लोगों से मिलते हो हर सेट पर मैं सबसे छोटी होती थी एज में बट जितना मैंने वहाँ से सीखा जो भी मैंने सीखा वो आज मुझे बहुत हेल्प करता है ऐसे ही करते करते वहाँ कुछ कॉन्टैक्ट्स बने ये सब हुआ और नए लोगों से मैं मिलती थी फिर मुझे जो भी मैंने एक दूसरा शो किया कैंपस डायरीज उसका मैंने ऑडिशन दिया मुझे समझ में नहीं आता था, था अच्छा कि आप कैमरे में देखकर बात करना अलग चीज़ है लेकिन कैमरे में देखकर फिर एक उस कैरेक्टर के लिए एक्टिंग करना जो आपने अभी देखा भी नहीं आप चार लाइन से कैसे ही फिगर आउट करोगे कि ये कैरेक्टर किस बारे में है तो ऑडिशंस देना बहुत टफ होता था बट मैंने वो पता नहीं कैसे क्रैक कर लिया और फिर ये दूसरा शो मिला बट मेरी सबसे लर्निंग यही है कि आ, आप लाइफ में प्रैक्टिकल तो बनो मतलब जैसे मैं भी अगर मैं मिमिक्री भी करती थी तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि हाँ यार इसमें करियर बनाएंगे सीधा पैसा कमाएंगे आजकल आप देखो कि हर कोई इंटरनेट पर वीडियोज़ बना रहा है मेरे रिश्तेदारों को अभी भी ये लगता है कि ये ऐसे ही बस कुछ कर रही है पैसा वैसा इसको कुछ मिलता नहीं है वो इसीलिए लगता है क्योंकि उनके चार साल का बेटा उनका वो भी वीडियो बना रहा है इंस्टाग्राम पे उन्हें लगता है अरे ये भी तो बना लेता है ये क्या नया कर रही है वो लिपसिंग कर रहा है तो सब लोग अभी कुछ ना कुछ कर रहे हैं बट जरूरी नहीं है कि यही आपका पैशन हो या यही आपको आगे लेकर जाए अगर आप पढ़ाई में अच्छे हो तो उस पर भी ध्यान दे लो क्या पता आप पढ़ाई में ही आगे निकल जाओ जरूरी नहीं मतलब मैं ये नहीं कहना चाह रही मैं अपना कॉम्पिटिशन एलिमिनेट नहीं कर रही बट मैं ये बोल रही हूँ कि एक पॉइंट पर मैंने भी थोड़ी प्रैक्टिकैलिटी के साथ ये सोचा था कि यार अचानक से इस फील्ड में कुछ नहीं हो जाएगा तो और मुझे ये था कि अपने मम्मी पापा पे भी इतना बर्डन नहीं डालना है कि वो मुझे फिर ऐसे चार पांच साल घर पे बैठकर खिला रहे हैं और आ, मैं कुछ काम वाम नहीं कर रही तो ये ये दिमाग में मेरे था कि जो भी करना है ना खुद के बलबूते पर करना है कभी भी किसी पर उन्होंने पढ़ा दिया ठीक है बस उतना तक ही रखना है उसके बाद तो खुद ही जॉब करनी है तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप करो आपका जो भी मन करे बट थोड़ा प्रैक्टिकैलिटी के साथ उसको करो और कैसे एग्जीक्यूट करना है मतलब ये नहीं कि अगर हाँ ठीक है यार हमको हम तो यही करना है आजकल सब लोग यही कर रहे हैं तो हमें भी यही करना है और सीधा हमें क्वेश्चन भी आजकल यही आते हैं कि आ, हमने यूट्यूब पर वीडियो बनाना शुरू किया अब हम कैसे पैसा मिलेगा यार अब टाइम लगता है हर चीज के लिए और जरूरी नहीं कि आप एक पॉइंट पर मतलब मुझे तीन साल लगे वो ओवरनाइट सक्सेस सबको इसलिए लगती है क्योंकि अचानक से एक वीडियो वायरल हो जाती है बट टाइम लगता है हर चीज़ के लिए तो पेशेंस आपको रखना चाहिए और बाकी तो ये है, फिर सारी चीजें सही से होती चली जाएंगी तो दोस्तों ये थी मेरी कहानी और ये जोश टॉक्स पर आई है मुझे नहीं पता कि कितनी जोशीली स्टोरी थी मेरी बट अगर आपको इसमें से कुछ भी अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट्स करके बताएं अगर आप भी इस वीडियो के एंड तक पहुंच गए हैं तो मेरी तरह ही आप भी इंस्पायर जरूर हुए होंगे आपको भी मोटिवेशन मिली होगी अपने सपनों को पूरा करने की दोस्तों सपने तो हम सभी देखते हैं लेकिन हम में से कुछ ही लोग अपने सपनों को पूरा करने में सक्सेसफुल हो पाते हैं मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी इंसान अपने गोल्स को अचीव करने में सक्सेसफुल होता है उन सभी में कुछ कॉमन स्किल्स होती हैं जैसे कि अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स जो कि स्पोकन इंग्लिश से आती हैं और दोस्तों हम सभी स्किल को मास्टर करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं जोशकिल्स ऐप के साथ इस एप में हम वन बाय वन वो कैबलरी के नए वर्ड्स ग्रामर प्रैक्टिस रीडिंग और राइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ अपने जैसे अन्य हजारों स्टूडेंट्स के साथ ऑनलाइन इंग्लिश में लाइव बात करके अपनी इंग्लिश को वर्ल्ड क्लास बना सकते हैं आज ही अपनी सक्सेस की तरफ पहला कदम लें भारत के नंबर वन स्पोकन इंग्लिश ऐप जोश किल्स के साथ जोश टॉक्स अब स्पॉटिफाई एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट है जिसके साथ जोश की सभी कहानियां ऑडियो फॉर्मेट में अपलोड होंगी केवल स्पॉटिफाई पर और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, तो आप जोश पॉडकास्ट को फॉलो कर सकते हैं और सुन सकते हैं ऐसी कई प्रेरणादायक कहानियां सिर्फ Spotify पर इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें